नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन और पुलिस के बीच तनातनी बढ़ गई। वहीं जिला अस्पताल में हंगामे और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से नाराज संगठन के लोग और पुलिस आमने सामने आ गए। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दर्जनों लोगों के साथ मुजफ्फरनगर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। राकेश टिकैत और किसान यूनियन के लोगों ने कोतवाली में ही टेंट लगाया और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि होटल में शराब पीकर बवाल करने वाले भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद किसान संगठन के समर्थकों ने अस्पताल और थाने में जोरदार हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलने पर राकेश टिकैत भी पहुंचे और कोतवाली में धरना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि सिविल लाइन क्षेत्र में प्रकाश चौक स्थित होटल में यूनियन के कार्यकर्ताओं ने होटल मालिक के बेटों पर जानलेवा हमला किया। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक प्रकाश चौक होटल में यूनियन के 3 कार्यकर्ता खाना खाने पहुंचे थे। तीनों ने खाना खराब बताते हुए होटल मालिक के बेटे रोनित और अभिषेक के साथ गाली गलौज की, उन पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों कार्यकर्ताओं को लेकर मेडिकल के लिए जिला अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में पहुंचे यूनियन के दूसरे कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। वही कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से नाराज राकेश टिकैत खुद मुजफ्फरनगर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।